हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिली चिकन की रेसिपी। जो हमने चिली चिकन बनाया है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनाया है, बहुत ही मज़ेदार है और कम टाइम में बन जाने वाला है। आइए हम आपको बताते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है। ये चावल, रोटी, पराठे सभी के साथ खाया जा सकता है। ये जो चिली चिकन हमने घर में तैयार किया है, ये किसी भी तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल से कम नहीं है। और हमने ये 300 ग्राम के लगभग चिकन ले लिया है। ये हमने बोनलेस चिकन लिया है, इसे धो लिया है और इसके छोटे छोटे 1 से 1.5 इंच के बीच क्यूब्स कर लिए हैं। इसमें हम 1/2 टीस्पून लगभग लहसुन अदरक ऐड कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ये काली मिर्च पाउडर डाला है 1 टीस्पून लगभग, और 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। इसे हमें ज़्यादा देर मैरिनेट करना नहीं है, बस आधे घंटे के लिए मैक्सिमम मैरिनेट करेंगे हम इसको, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरह बनाते हैं। इसमें हमने 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा कॉर्नफ्लावर लिया है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें मैदा ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि ये चिकन के पीसेस जो हैं इसमें मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें एक अंडा ऐड कर रहे हैं और इसे भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे ताकि ये मीट के पीसेस जो हैं, चिकन के पीसेस जो हैं, ये अच्छे से सारे चीज़ों को पकड़ लें। और मैंने ये पैन में ऑयल डाल दिया है और एक पैन में मैं आपको सब्जियों के साथ ग्रेवी बनाकर दिखाऊंगी। ये एक पैन में जो हमने ऑयल डाला है इसमें हम ये चिकन के पीसेस फ्राई करेंगे। देखें, इस तरह से तेल गर्म हो गया है और हम पीसेस डाल रहे हैं। इन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। हमने जो चिकन मैरिनेट किया था वो हम इसमें डाल रहे हैं। देखें, मैंने लगभग सारे ही पीसेस फ्राई करने के लिए पैन में रख दिए हैं। इस पॉइंट पे हमें ये हाई फ्लेम पर ही बनाने हैं। अब हम इसको बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर खोल रहे हैं ताकि ये एक दूसरे से चिपक ना जाए। इस तरह से देखिए हमें इनको फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। अभी हमें फ्राई करना है इनको। फ्राई हो रहे हैं। और ये दूसरे पैन में मैंने ऑयल डालकर जो चॉप किया था, या बारीक आप काट सकते हैं, लहसुन और अदरक उनको डाला है, हरी मिर्च डाली है और बाकी हाई फ्लेम पर मैंने 2 कैप्सिकम और 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर इनको इस फॉर्म में काट लिया है, क्यूबिकल फॉर्म में। और अब मैं इनको इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। ये ध्यान रखना है हमें कि हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, लो फ्लेम पर नहीं करना है। इस बड़ी वाली कढ़ाई में हमने ऑयल के साथ लहसुन बारीक, अदरक बारीक कटी हुई और हरी मिर्च कटी हुई को हम फ्राई करने के बाद
इसमें आपको बाकी के क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं अभी बताएंगे। ये हमने दूसरी साइड में जो चिकन फ्राई कर रहे थे पलट दिया है, देखें इस पर ब्राउन कलर आ गया है। अब हमें दूसरी साइड से इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। इधर हमारी सब्जियां भी खूब अच्छे से भुनी आ गई हैं, देखें खूब अच्छे से पक रही हैं। और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। हमने इसमें नमक ऐड किया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करिए। हमने 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। दूसरी साइड में हमारा चिकन भी लगभग तैयार हो गया है, देखें इस पर ब्राउन कलर आ गया है। इन सब्जियों में हमने 2 टेबल स्पून के करीब टमाटो केचप भी ऐड कर दिया था। अब ये हम सिलरी मिला रहे हैं, जो हमने कॉर्नफ्लावर की सिलरी बनाकर रखी थी एक बोल में। देखें हमें इसे तेज़ तेज़ पकाना है ताकि इसमें लम्स ना रहे और ये गाढ़ी लगे, तो हमें फौरन इसमें 1 या 2 बोल्स भरकर पानी ऐड करना है, देखें, और चलाते ही रहना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आने चाहिए। हमें जैसे ही लगे कि गाढ़ी पड़ रही है तो हमें फौरन उसमें पानी ऐड करना है। देखें हमें जितनी क्वांटिटी में पानी चाहिए था हमने डालकर उसमें ऐड कर दिया है और चला रहे हैं। ये सिलरी के साथ अब पक रहा है और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ऑयल इसका ड्रेन करने के बाद हमने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन डालने के बाद हमें इसे थोड़ी देर ढककर पकाना है और जितना थिक हम रखना चाहते हैं उतना हम रख सकते हैं। अगर हमें थोड़ा थिन रखना है तो हम पानी और ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही थिक रखना है तो हम स्लरी बनाकर कॉर्नफ्लावर की और ऐड कर सकते हैं। लेकिन कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है चिकन हमारा।